हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसे लड़ाई में जाने के लिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना होता है, पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, रणनीति तैयार करनी पड़ती है, तब जाके आप लड़ाई में जीत पाते हैं। अगर आपने रणनीति नहीं फॉलो किया तो फिर आप लड़ाई में नहीं जीत पाएंगे। तो वैसे ही दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसकी रणनीति, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको समझना पड़ता है कि उसका सिलेबस क्या है, पिछले साल कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से सेक्शन को कवर करना होगा। ऐसा थोड़ा ही कि ज्योग्राफी उठा के पूरा पूरा आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर आप ज्योग्राफी से MA देना चाहते हैं JNU में, तो 2020 के क्वेश्चन पेपर को पहले आपको समझना होगा, तब जाके 2021 के क्वेश्चन पेपर में आप अच्छा कर पाएंगे कि 2020 के क्वेश्चन पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछे गए थे। पहले आप एक रणनीति बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, कवर करिए कि कौन कौन सा सेक्शन पूछे गए थे उसको पहले क्लियर करिए, तब जाके आप 2021 के क्वेश्चन पेपर में अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में। और मैं दोस्तों बता दूँ आपको, जितने भी मेरे पिछले वीडियो पड़े हुए हैं उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेनली मैंने उस सेक्शन के बारे में बताया था जिससे कि क्वेश्चन पूछने के 100% चांसेस थे, और अधिकांश क्वेश्चन पूछे भी गए हैं वहाँ से। एग्जैक्टली तो नहीं सेम पूछा जाएगा JNU में, लेकिन हाँ वहाँ से कवर किया गया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, मैंने अलग अलग सेक्शन को डिवाइड किया है ह्यूमन ज्योग्राफी में, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से कहाँ से पूछे गए हैं, उसके बाद में फिर जियोमॉर्फोलॉजी में, ओशनोग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में, बायो ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल थॉट से, रीजनल ज्योग्राफी में, अलग अलग सेक्शन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, इस बार 2020 के एग्जाम्स में ह्यूमन ज्योग्राफी में टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। कम ज़्यादा हो सकता है अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोगों का, लेकिन 35 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे अकॉर्डिंग। उसमें सेंसस, सेक्स रेशियो, रिसोर्सेस, डेंसिटी, थ्योरीज, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज मैंने आपको बताया वो सारे थ्योरीज में से क्वेश्चन टच किए गए थे लगभग। सेटलमेंट्स, अर्बन चाहे रूरल सेटलमेंट्स, लैंग्वेजेस, वेमेन एम्पावरमेंट, क्रॉपिंग पैटर्न, पॉलिसीज, डेवलपमेंट, डिफरेंट रिवोल्यूशंस जैसे व्हाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ये सब के रिवोल्यूशंस, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, इरीगेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड डिफरेंट बोर्ड्स, डेवलपमेंट बोर्ड्स, इन सबसे क्वेश्चन टच किए गए हैं दोस्तों। यानी कि टोटल 17 सेक्शन से जहाँ से क्वेश्चन टच किए गए थे। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको पढ़ना होगा। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में। इस साल 2020 में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, कम ज्यादा हो सकता है अपने अकॉर्डिंग। रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट, मीन मीडियन मोड और उसके वैल्यूज कैसे निकालती है, तो मेन उसके एकदम 100 मतलब क्या बताएं दोस्तों, ये सबसे ज्यादा आपके पूछे गए थे क्वेश्चन। डिस्पर्जन स्केल, मैप प्रोजेक्शन, स्कैटरिंग, GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंसर, स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ, रिवोल्यूशन एंड डेविएशन, ये रिजोल्यूशन एंड डेविएशन, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में टच किया गया था। टोटली NCERT से आप कवर कर सकते हैं, कोई अलग से आपको नहीं पढ़ना होगा। जो मॉर्फोलॉजी में टोटल क्वेश्चन 7 से 10 पूछे गए थे नॉर्मली। ड्रेनेज सिस्टम मेन था उसमें। माउंटेन बिल्डिंग से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, माउंटेन बिल्डिंग से नहीं पूछे गए थे, प्लेटू फॉर्मेशन से पूछे गए थे। माउंटेन रेंजेज अलग अलग थे, उनसे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और डिफरेंट रिवर्स में जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बने हुए हैं उनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे। तो ये था जियो मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन। क्लाइमेटोलॉजी में टोटल दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आइसोलाइन से डिफरेंट लाइन्स उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। कोरा रीफ, ग्लोबल वार्मिंग, थ्योरीज रिलेटेड टू क्लाइमेटोलॉजी कौन कौन सी थी, कुछ थ्योरीज पूछे गए थे। विंड सिस्टम, साइक्लोन, प्रेशर बेल्ट, मानसून सीजन, वेदर, वेदर मेजरमेंट्स, टेम्परेचर, अल नीनो, लॉ नीनो फॉर्मेशन, उसका इंपैक्ट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, रेडिएशन, क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपेंस, थॉर्मेट एंड ट्रिवार्था, ये क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओशनोग्राफी में ज़्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी करंट से कुछ क्वेश्चन थे, और हिप्सोमेट्रिक कर्व यानी कि ओशन के नीचे किस किस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं, लेयर्स के बारे में, जोन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे, और कोरा रीफ जो कि मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी में भी बताया था। बायोजियोग्राफी से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेन इसमें इकोसिस्टम था, इकोसिस्टम के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, देन सॉइल एंड देन थ्योरीज। ज्योग्राफिकल थॉट से मेनली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए थे, हाँ बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसने कौन सी बुक लिखी थी, और वो ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ के आप कर सकते हैं। रीजनल ज्योग्राफी में मेनली 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, लोकेशंस के बारे में पूछे गए थे, डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पूछे गए थे, चाहे इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछने का ढंग था 2020 में JNU के MA के एंट्रेंस में। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सेक्शन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको पढ़ना क्या है। तो आप इसको देखिए, क्वेश्चन पेपर को मैंने देख के एनालिसिस करके इसको बनाया है, तो आप इसको देखिए और ऐसे ही पढ़ना शुरू करिए। मैं डिफरेंट टाइप्स के वीडियो और भी आगे अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू सो मच।